वेलकम टू गाइज आइज आज के इस नए ब्लॉग में मैं नीलांजना कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मेरा बहुत तबीयत ख़राब है, फिर भी ब्लॉग बना रही हूँ ताकि आप लोग तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो मैं सबसे पहले सो कर उठी आज, तो अपने बेड को ठीक की जो मेरा रोज़ का रूटीन रहता है, आपको तो पता ही होगा क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन शेयर कर चुकी हूँ उस ब्लॉग का। मच्छरदानी ठीक कर रही हूँ मैं अपना, धीरे धीरे अब ठंडा का मौसम ख़त्म होने वाला है और लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर हम किसी चीज़ से लड़ जाएंगे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, और हमें लड़ना चाहिए, अपने किस्मत से भी लड़ना चाहिए। अगर हमें नाकामयाबी मिलती है फिर भी हमें लड़ना चाहिए क्योंकि यही कर्म ही हम लोग के हाथ में है, लेकिन फल तो भगवान ही देते हैं ऊपर वाले, तो हमें उन पर भरोसा ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले सुबह उठकर अपने बेड को ठीक कर रही हूँ ताकि मेरा पूरा दिन मोटिवेटेड रहे और मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। मम्मी अभी बाहर जा रही है दूसरे काम से सुबह सुबह ही, तो मुझे उनका हेल्प करना है खाना बनाने में, तो मैं आप लोग को दिखलाऊंगी मैं अब क्या क्या खाना बनाऊंगी। उसके बाद मैं अपने हेयर को बाल को ठीक कर लेती हूँ। अभी मौसम चेंज हुआ है जिसके कारण मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। दीदी उस रूम में सोई हुई है, मैं इस रूम में हूँ, और दीदी अभी मायके से अभी आई हुई है, मायके ससुराल से रहेगी यहाँ पे, तो उनके साथ ही मुझे खूब अच्छा लगता है। देख सकते हैं मैं गोभी को भून रही हूँ, सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है। आज मैं ही सब्जी बनाऊंगी, आज सारा खाना मेरा ही बनाना है। तो दोस्तों आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ब्लॉग बनाऊँ और गांव की लड़की आगे